नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, पुलकित की चल रही है शादी की तैयारियां। आज ये शॉपिंग करने जा रहे हैं, वीडियो बनते ही तुरंत रफू चक्कर। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप तैयारी करो आज इस कॉन्सेप्ट को सीखने की। मेरे प्यारे दोस्त, दर्पण और जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए होगा खत्म। मेरे प्यारे वीर, जब घड़ी में कोई समय होता है तो उस समय पर दर्पण और जल में कितना समय बनता है, ये एग्जामिनर एक बार नहीं बहुत बार पूछता है। और आप कई बार सोचते हो कि सवाल की कोई ट्रिक मालूम होती तो मैं सवाल को बहुत आसानी से चुटकियों में खत्म कर देता। तो आज मैं आपको वही लेवल पर लेके जा रहा हूं और ये विश्वास दिला रहा हूं कि आज के बाद ये टाइप आपको कभी परेशान नहीं करेगी। पुलकित, करें स्टार्ट जी? अरे क्या खूबसूरत हो, लगाओ पहले सवाल को, देखो कैसे बोलते हैं। हाँ जी, करें, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पहला सवाल आ चुका है सामने। पुलकित, इस सवाल में कितने बज रहे हैं? इस सवाल में क्या कह रहा है कि 4 बजे है, तो समय जो 4 बजे का है, इस समय दर्पण में देखने पर कितना समय बन रहा होगा। दर्पण के कॉन्सेप्ट में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा गुड्डा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 1160 का, पढ़ा है कि 1160 में से घटा देते हैं। वैसे हाँ हाँ कर रहा, जब ना पढ़ा तो यूं कह देना कि ना पढ़ा। इसमें कोई बेइज्जती हो रही है? बेइज्जती उनकी होगा जिनकी कोई इज्जत होगा, कोई बात ना बेटा, एक्सेप्ट कर लेकर की नहीं पढ़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 1160 बहुत लोगों ने पढ़ा है, ये एक्चुअल में 1160 कॉन्सेप्ट सीधा 12 में से निकल कर आया। ये 1160 कुछ नहीं होता, ये 1260 ही होता है। अब जैसे यहां पर 12 बज रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब के सवाल को सीधा 12 में से माइनस कर दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। कितने में से? 12 में से आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 12 में से 4 घटाओगे तो 8 आएगा। 12 में से 4 गए तो 8 नहीं आ गया? 8 ही आंसर है इस सवाल का। अब तुम लोग कहोगे भैया हमने तो 1160 पढ़ा है, 1160 का भी यूज होता है। एक्चुअल में 1160 कोई अलग वैल्यू नहीं है, 1160 12 ही होता है, 1160 12 ही होता है। वो मैं बताऊंगा कैसे। बचपन में ये चीज पढ़ी थी कि मिनट के नीचे मिनट, घंटे के नीचे घंटे, सेकंड के नीचे सेकंड, जब घटाते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं। हाँ जी। अरे बोलो हाँ या ना, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब 1160 की जरूरत ऐसे सवालन में पड़े करे जिनमें एग्जामिनर हमको कुछ मिनट भी देता है। जैसे इस सवाल में इसने केवल 4 बजे है ऐसे दी, मिनट थी कुछ? 4 बज के कुछ मिनट दी थी क्या? नहीं दी थी। अगर ये 4 बज के 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कुछ मिनट देता तो वह फिर 12 को 1160 लिखता। कैसे लिखता? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, अभी दिखाता हूं क्या बता। ये कह रहा है 8 बजकर 30 मिनट हो रही है। मेरे शेर ध्यान से देखना, 8 बजकर 30 मिनट दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय बनेगा ये पूछना चाहता है। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया था, दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट होता है कि 12 में से घटाते हैं। अब 12 में से कब घटाएंगे? जैसे कह रहा है 3 बजे तो डायरेक्ट 12 में से घटा दो, 4 बजे डायरेक्ट 12 में से, 5 बजे डायरेक्ट, 8 बजे डायरेक्ट। यानी अगर समय ऐसा है जिसमें मिनट नहीं है तो डायरेक्ट 12 में से घटा देंगे, लेकिन अगर मिनट है तो 12 में से कैसे घटाऊंगा? 12 में तो ये 00 मिनट कुछ है ही नहीं, तो मैं 12 को ही 1160 लिख देता हूं। बेटा ये 1160 12 ही है। अब तुम लोग खुद सोचो, 11 बजकर 60 मिनट, 11 बजकर 60 मिनट, ये 12 ही तो है, क्योंकि जब जब ये 60 ये मिनट है, ये आवर है, और 60 मिनट में 1 घंटा बनता है। ये अगर 60 मिनट इधर को आ जाएंगी और प्लस 1 घंटा में और जुड़ जाएगा 11 में, तो ये 12 ही ना बच गए। ये एक ही कॉन्सेप्ट है, तो 1160 जो वैल्यू है उसमें से हम घटाएंगे जब हमें मिनट भी मिल रही होंगी। तो जैसे कि यहां पर ये 8:30 है, 8:30 को मैं घटाऊंगा 1160 में से, कितने में से गुड्डा? 1160 में से। और 1160 में से घटाते ही 60 में से 30 गए तो 30 और 11 में से 8 गए तो 3, ये 3 बजकर 30 मिनट हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को?
3:30 हो जाएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब तुम कहोगे भैया ये सेकंड भी आ सके क्या? हाँ जी सेकंड भी आ सके। लगाओ अगला सवाल, मैं इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आज की क्लास में, ध्यान से सुनना कैसे। ये क्या कह रहा है, 3:20:40 हो रही है, इस बार 40 सेकंड भी मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है पुलकित? इसका मतलब अब के 11:60 से भी काम ना चले। लॉजिक समझो, रटा मत करो कि 11:60 रट ली, लॉजिक समझो कि क्या है। एक्चुअल लॉजिक होता है 12 का, किसका पुलकित? 12 का मेरे प्यारे वीरों, किसका? 12 का। अगर घंटे ही घंटे हैं तो 12 में से ही घटा दो, अगर घंटे के साथ मिनट भी है, जैसे पिछले सवाल में मिनट भी थी, तो 11:60 में से घटाया है तो ये भी 12 ही, लेकिन अगर सेकंड भी है तो मैं 12 को लिखने का तरीका बदल दूंगा, और ये तरीका हो जाएगा सीधा 11:59:60, क्योंकि 60 सेकंड एक मिनट बन के 59 में मिलेगी तो ये पूरे 60 मिनट हो जाएंगी, और 60 मिनट इधर आवेगी एक घंटा बन के तो पूरे 12 घंटा बात एक ही है। तो जब सेकंड आए तो 11:59:60 में से घटाएंगे, बात समझ में आ रही है? तो मैं इसे 11:59:60 में से घटाऊंगा, 60 में से 20, 60 में से 40 गए तो 20, ये 9 में से 0 गए 9, 5 में से 2 गए 3, और 11 में से 3 गए तो 8, 8:39:20, सवाल खत्म। 8:39:20 कहां है? ये रहा। मैं सवालों की कुछ प्रैक्टिस करवा दूं? एक बार स्क्रीन पे वो लगाओ जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मानकर चलो यहां पर कह रहा है कि 4 बज रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, डायरेक्ट घंटे मतलब कितने में से घटेंगे? 12 में से। कितना आ गया पुलकित? 12 में से 4 गए तो 8, यही आंसर है। अब ये कह रहा है 6:40 मिनट आ गई, 40 मिनट तो मैं कितने में से घटाऊंगा? 11:60, 11:60 में 60 में से 40 गए 20, और 11 में से 6 गए 5, खत्म कॉन्सेप्ट। अब ये कह रहा है भाई 15:40 है, मेरे प्यारे गुड्डा तुम सोच रहे हो यार 15:40 है, 15 के लिए किसमें से घटाऊं? 15:40 या नंबर से फर्क नहीं है, 15:40 का मतलब दिमाग से सोच, 12 के बाद 13 का मतलब, 13 का मतलब 1, 14 का 2, 15 का 3, तो ये 15:40 का मतलब क्या 3:40 नहीं है? हाँ जी। तो मैं 15:40 पे गौर नहीं करूंगा, मैं 15:40 को सीधा कितना मानूंगा? 3:40। 18:20 होती तो 6:20, 18 का मतलब 6 ही तो हो गए, बोलो 21 का मतलब 12 से 9 तो 9, 20 का मतलब 12 से 8 तो 8, बस खत्म। तो इसे 15:40 को मैं कितना कर सकता हूं, इस 15 को हटा के 3 लिख सकता हूं, और सीधा 11:60 में से घटा दूंगा, हाँ या ना? 60 में से 40 गए तो 20, और 11 में से 3 गए, खत्म, यही सवाल। 4:20 तो 11:60 में से घटा दो, 60 में से 20 गए तो 40, और 11 में से 4 गए 7:40 आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये सवाल कर रहा है 11:40, मेरे प्यारे दोस्त जब इसे 11:60 में से घटाऊंगा तो 60 में से 40 गए 20, और 11 में से 11 गए तो 0। अब तुम कहोगे 0:0:20 ये क्या समय है? 0 का मतलब ध्यान रखना 12 होता है, तो 0:0:20 का मतलब क्या होगा? 12:20, इसका मतलब है या तो ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो। अब जैसे ये कह रहा है 12:20 का समय, जी अब कैसे करूं, अब कितने में से घटाऊंगा? 11:60 में से ही घटाऊंगा, 60 में से 20 तो घट जाएंगे 40 आ जाएगा, पर तुम कहोगे 11 में से 12 ना जा रही, मत जाओ, 12 का मतलब तो हम जाने ना है 0 हो गए तो 0 बना दो, और 11 का 11 तो ये 11:40 आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत आई? आसान है ना। अब ये कह रहा 4:15:20, अभी बताया सेकंड के लिए कैसे घटाएंगे, हम सीधा सीधा 11:59:60 में से घटाएंगे, आज ही सिखाया था, 60 में से 20 गए तो 40, 9 में से 5 गए तो 4, 5 में से 1 गए 4, और 11 में से 4 गए 7, 7:44:40। एक बार चेक कर लो, 60 में से 20 गए 40,
9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गए 4 और 11 में से 4 गए 7, खत्म, यही कॉन्सेप्ट है। अब तुम कहोगे कि जल प्रतिबिंब कैसे होता है, जल प्रतिबिंब, और बता देता हूं बस 2 मिनट में, लगाना एक बार जल प्रतिबिंब को, जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन लगाओ, 8-10 हो रहे, जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं भैया, 18-30 दो ट्रिक हैं, 18-30 और 17-90, क्या बोला मैंने, 18-30 और 17-90। अगर मेरे पास 30 मिनट से छोटी वैल्यू है या 30 मिनट तक है तो मैं 18-30 में से घटाऊंगा, और 30 मिनट से ऊपर की वैल्यू है तो मैं 17-90 में से घटाऊंगा, 18-30 और 17-90, यही कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे ये 8:10 है और जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन यहां पर जल प्रतिबिंब पूछ रहा है तो 10 मिनट क्या 30 से छोटी, तो मैं सीधा 18-30 में से घटाऊंगा, और 18-30 में से 8-10 गए तो कितना आ गया, 30 में से 10 गए तो 20, और 18 में से 8 गए तो 10, तो ये 10-20 हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। मैं तुम्हारी जानकारी लेके एक बात और बता दूं कि जल प्रतिबिंब में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 10-20 ऑप्शन में ना मिले, क्योंकि जल प्रतिबिंब कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बनाता, घड़ी से डिटेल में बताऊंगा कभी कि जल प्रतिबिंब कभी एग्जैक्ट टाइम नहीं बनाता, कभी कभी सुई 1 घंटा लेस करके भी आंसर पर होती है। पहली बात तो 10-20 आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा, अगर कभी 9-20 भी मिल जाए तो 9-20 भी आंसर बन सकता है, जल प्रतिबिंब एग्जैक्ट आंसर नहीं बनाता, ये एग्जैक्ट आंसर है, कभी कभी इसमें 1 आवर लेस भी हो जाता है, तो -1 करूंगा तो कभी कभी 9-20 भी इसका आंसर हो सकता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, कभी कभी 1 आवर लेस हो सकता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो जल्दी से, अब ध्यान से समझो, ये 10:50 है, 10:50 मतलब ये मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, 18-30 और 17-90। अब ये जो 10:50 है ये 30 मिनट से ऊपर है तो मैं इसे 17-90 में से घटाऊंगा, 17-90 में से जब आप इस कॉन्सेप्ट को घटाओगे, कितने को, 10:50 को, तो क्या आएगा, 90 में से 50 गए तो 40 और 17 में से 10 गए 7, ये 7:40 आंसर होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कभी कभी 7:40 हो सकता है ना मिले, तो 1 आवर लेस भी हम जल प्रतिबिंब करते, दर्पण में कभी नहीं करते, जल में 1 आवर लेस करना पड़ जाता है कभी कभी सिचुएशन के आधार पर, अगर 7:40 ना मिले तो, नहीं तो 7:40 ही मिलेगा, कभी कभी 7:40 ना मिले तो 1 आवर लेस करके 6:40 भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में 7:40 नहीं है तो। एक बार इसके कुछ क्वेश्चन लगाना, डिस्कस कराता हूं, ध्यान से सुनना, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं, जैसे 3:20 है तो ये यहां पर क्या है, मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, 18:30 और 17:90। अब जहां पर मिनट 30 से कम है, जैसे 20 है तो सीधा 18:30 में से घट जाएगा, 30 में से 20 गए तो 18 में से 3 गए तो 15, 15:10 का मतलब क्या है, 3:10, 15 का मतलब 3 ही तो होगा भाई, 12:13 का मतलब 1, 14:2, 15:3। अब ये 9:25 है, सीधा 18:30 में से घटा दो, तो 30 में से 25 गए तो 5, 18 में से 9 गए तो ये 9:05 आ जाएगा, खत्म है कॉन्सेप्ट। और मैं फिर से कह रहा हूं, -1 आवर लेस करते चलना अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो, जल प्रतिबिंब में ऐसा भी होता है। दूसरी बात, अब ये 10:50 है, 50-30 से ज्यादा है तो सीधा 17-90 में से घटाएंगे, 90 में से 50 गए 40 और 17 में से 10 गए तो 7:40। अब ये 14:20 है, मैं 14:20 क्यों मानू इसे, मैं तो इसे सीधा 2:20 मानूंगा, बोलो हाँ है ना, और मेरे प्यारे दोस्तों सीधा इसे 18:30 में से क्या कर देंगे, 18:30 में से घटाएंगे, 30 में से 20 गए 10, 18 में से 2 गए 16, 16:10 का मतलब क्या है, 4:10, 4:10 ऑप्शन में ना मिले तो -1 कर देना, 3:10। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सभी को आंसर देना, एक बार एक क्वेश्चन दे दो होमवर्क के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल का आंसर सभी को कमेंट में बताना है, सभी को कमेंट बताना है कि 3:10 है, दर्पण में देखने पर कितना समय बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी साथी इस वीडियो को बाद में देखें, हर एक साथी को इसका आंसर कमेंट में बताना है, ये क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना है, और आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहां से तैयारी कर रहे हैं, और मेरे प्यारे दोस्त कहां से का मतलब कौन से स्टेट से, कौन से जिले से आप हैं, और मेरे प्यारे दोस्त कौन सा एग्जाम आप देने वाले हैं, इस सवाल का आंसर
कमेंट में बताइएगा, और ये भी बताइए आने वाली वीडियो और कौन कौन से टॉपिक की, कौन कौन सी टाइप की होनी चाहिए, ताकि मैं आपके लिए हर एक टाइप की वीडियो ला सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।